दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन न्यूज़ में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो, नतरिया शिक्षक भर्ती से जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है सबसे पहले हम आपके अपने चैनल कंपटीशन न्यूज़ में आपको देते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऑर्डर जिससे शिक्षक भर्ती में जो है बहुत ही बड़ा उलटफेर हो गया है, और हम देखेंगे कि इस ऑर्डर में क्या कहा गया है और ये ऑर्डर जो है शिक्षक भर्ती में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो हम इसमें ये भी देखेंगे कि इसमें 60-65 और 40-45 वालों पर क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये ऑर्डर दिखा देता हूं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई न्यूज हमारे चैनल कंपटीशन न्यूज पे आपको दी जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है ये न्यूज पूरी। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये हिंदी में दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ऑफिशियल यहाँ पे पूरा जजमेंट के ऊपर ले चलूंगा, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों इस ऑर्डर में कहा गया है, माननीय सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कोर्ट के पास नियोक्ता को नियुक्ति देने संबंधी पात्रता देने का कोई अधिकार नहीं है। यह पूरा अधिकार सरकार को है कि नियोक्ता को किस अर्हता के साथ नियुक्त करती है। जी हाँ दोस्तों, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि यहाँ पे ऑफिशियल यहाँ पे जजमेंट क्या कहता है, और फिर मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे 60-65 और 40-45 वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट पड़ा है, और आप लोग देख सकते हैं ये पूरा ऑफिशियल जजमेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये द महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं संदीप श्रीराम तो एंड अदर्स, और यहाँ पे आप ये नंबर भी देख सकते हैं इसका 4598-4601 ऑफ 2019। तो मैं आपको यहाँ पे जो मेन चीज़ है, ये काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है दोस्तों, काफ़ी लंबा यहाँ पे जजमेंट है, तो मैं आपको मेन बात यहाँ पे बता देता हूँ। और मेन बात आपको मिलेगी यहाँ पे दोस्तों, पेज नंबर आप देख सकते हैं इस ऑर्डर का, यहाँ पे पेज नंबर 6 पे, और यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा है। पहले मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ, फिर मैं आपको हिंदी में भी इसका मतलब यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 10 पे, The essential qualification for appointment to a post are for the employer to decide. The employer may prescribe additional or desirable qualification including any grant of reference. It is employer who is the best suited to decide the requirement. A candidate must possess according to the needs of the employer and the nature of work. The court cannot lay down the condition of eligibility, much less than it delve to the issue with regard to desirable qualification being at par with द एसेंशियल एलिजिबिलिटी। तो दोस्तों काफ़ी लंबा यहाँ पे जजमेंट है, मैं आपको मेन बात यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे अपॉइंटमेंट का जो रखने का अधिकार है ये एम्प्लॉयर को दिया गया है, यानी कि दोस्तों जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखने का अधिकार दिया गया है जो नौकरी देने वाला है, तो उसे यहाँ पे ये पूरा अधिकार दिया गया है कि वो क्या यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन रखती है। और यहाँ पे दोस्तों साफ साफ भी दे रखा है कि कोर्ट को, और यहाँ पे दोस्तों ये भी दे रखा है कि कोर्ट को यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है उसे क्या कहते हैं कम करने का कोई भी अधिकार नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा दे रखा है, रिगार्ड टू डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन बीइंग एट पर विद द एसेंशियल एलिजिबिलिटी। तो और ये भी दे रखा है दोस्तों कि यहाँ पे जो सरकार है उसको भी पूरा का पूरा अधिकार है कि वो क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है तय करती है, और कोर्ट को ये कोई अधिकार नहीं है कि वो यहाँ पे एलिजिबिलिटी तय करे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो 60-65 वाले हैं वो इसको अपने पक्ष में यहाँ पे मोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बेस बनाया जाएगा, और यहाँ पे कहा जाएगा कि जो सिंगल बेंच है यहाँ पे उन्होंने 40-45 यहाँ पे कट ऑफ जो है वो कर दी गई है, और जो मैं आपको बता दूँ 60-65 से कम है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को यहाँ पे डिसाइड बनाया जाएगा, यहाँ पे आधार बनाया जाएगा, जिसमें ये साफ साफ कहा गया है कि कोर्ट को ये अधिकार नहीं है कि वो जो है किसी भी एलिजिबिलिटी को कम कर सके। तो दोस्तों ये थी यहाँ पे मेन पूरी की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम आपको अपने चैनल पे खबरें देते हैं, और अगर आपने सबसे पहले हमारे चैनल पे ये खबर देखी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद जय भारत।